मोबाइल गेमिंग करनी है बिना किसी FPS ड्रॉप के, बैटरी की चिंता ना हो और PC जैसी परफॉर्मेंस मिल जाए, सब बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में, क्योंकि ये होने वाला है Samsung Galaxy S23 Ultra का गेमिंग रिव्यू। अगर हम बात करें इसके अनबॉक्सिंग की, तो जिस दिन मुझे ये Samsung की तरफ से रिसीव हुआ था, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने उसी दिन इसकी अनबॉक्सिंग कर डाली थी। बॉक्स के अंदर हमें सीधा फ़ोन देखने को मिलता है। फ़ोन को जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो एकदम प्रीमियम फील आता है। फ़ोन की डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से मिलती है, जिसके रिगार्डिंग मेरा मानना ये है कि अगर कोई डिज़ाइन बहुत अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे आने वाले वर्जन में चेंज ही कर दें। इसकी डिज़ाइन आपको यकीन मानिए बहुत ही प्रीमियम फील देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, जिसमें हमें डायनेमिक एमोलेड 2X HDR 10 प्लस के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। इसकी ब्राइटनेस पीक 1750 निट्स तक जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इवन आप डायरेक्ट सनलाइट में इसे यूज़ कर रहे होंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये फ़ोन किसी बीस्ट से कम नहीं है। इसमें आपको Samsung 8th Gen 2 चिपसेट मिलता है, जो कि इस वक्त का सबसे पावरफुल चिपसेट है। आप इस मोबाइल को कोई भी गेम दे दीजिए, ये बिना किसी इशू के आपको स्मूथ गेम प्ले प्रोवाइड करा देगा। जिन गेम्स में RTX अवेलेबल है, उन गेम्स में एकदम टॉप क्वालिटी आपको ये फ़ोन प्रोवाइड कराता है। मैंने इसमें बहुत सारे गेम्स खेले, जैसे स्टम्बल गाइज, PUBG न्यू स्टेट, BGMI, एसफॉल्ट, और भी बहुत सारे गेम्स मैंने ट्राई किए और कोई भी किसी भी तरह का मुझे इशू दिखाई नहीं पड़ा। बहुत ही स्मूथ गेम प्ले मिला विद सम ऑसम साउंड। साउंड की बात करें तो इसके स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं और इसमें क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, आप खुद सुन सकते हैं। मैं फिलहाल Samsung के ईयरबड 2 Pro यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हमें 24-bit हाईफाई साउंड मिलती है विद ANC एंड 360-degree ऑडियो एक्सपीरियंस। इसका केस बहुत ही छोटा होता है, तो आप अगर इसको पॉकेट में भी रखते हो तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर हम बैटरी की बात करें इसके, तो आपको 18 आवर्स कंटिन्यू प्ले टाइम मिलता है इसमें। गेमिंग करते हुए अगर आप इसे चार्ज करते हो तो किसी भी तरह का हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें न्यू चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप चार्ज कर रहे हो और साथ ही साथ गेम भी खेल रहे हो, चाहे जितना ही हैवी गेम क्यों ना हो, आपको कोई भी हीटिंग इशू नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर गेम खेल सकते हो और साथ ही साथ चार्ज भी कर सकते हो। ये फ़ोन अराउंड 70 मिनट्स लेता है पूरा चार्ज होने में, और 0 से 80% तक तकरीबन आपका 50 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। परफॉर्मेंस के साथ हमें इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एस पेन, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाती है। और इसके कैमरे के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो चांद तक की फ़ोटो आपको एकदम क्लियर निकाल के देता है। अगर आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो गेमिंग के मामले में PC जैसी परफॉर्मेंस देती हो और साथ ही साथ कैमरा, डिस्प्ले, साउंड, सारी चीज़ें एकदम टॉप क्वालिटी की हों, तो आपकी चॉइस सिर्फ और सिर्फ Samsung Galaxy S23 Ultra ही होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।